जहां पीसी इंडस्ट्री के अंदर पहले आपको सिर्फ इंटेल और एएमडी देखने को मिलता था, आज के समय में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन भी आ गया है। और अब एक सवाल आता है कि अगर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन इंटेल एएमडी को कंपेयर करो 2024 के हिसाब से, तो मार्केट के अंदर कौन सा प्रोसेसर कहां स्टैंड करता है? काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी ना, क्योंकि अब देखा तो पीसी इंडस्ट्री के अंदर अब वो मजा आने लग गया है जो आज से कुछ साल पहले तक मिसिंग था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं और जानते हैं नए इंटेल कोर प्रोसेसर के बारे में। देखो इंटेल के बारे में बात है कि इसके जो प्रोसेसर्स थे मार्केट में बहुत पहले से आ रहे थे और ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, और आज की डेट में भी मार्केट में सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है ना, वो आपको इंटेल प्रोसेसर का देखने को मिलता है। और उसके काफी सारे रीजंस हैं, जहां पे उसके अंदर आपको स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंटेंट क्रिएशन करना है उसके लिए सूटेबल है। और तो और इंटेल के अंदर सबसे बड़े चेंजेस आए थे जब एप्पल ने अपनी M1 चिप निकाली थी। उसके बाद जब इंटेल अपनी 11 जनरेशन प्रोसेसर लाए, वहां पे इसने थर्मल्स को भी बेटर किया, प्लस यहां पे पावर एफिशिएंसी लेकर आया, लंबा बैटरी बैकअप भी लेकर आया। और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप हो, इंटेल के प्रोसेसर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस प्रोसेसर्स थे। हालांकि इस साल इंटेल प्रोसेसर को एक छोटा सा झटका लगा। 13th Gen, 14th Gen के कुछ ऐसे प्रोसेसर हैं जिनके अंदर इश्यूज आए जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, लेकिन एक बात बता देता हूं, ये सिर्फ कुछ ही प्रोसेसर के साथ हुए। मेरे खुद के पास एक 13th जनरेशन का कोर i9 वाला एक लैपटॉप है, वो अभी भी मस्त चल रहा है, और उसका यूज मैं वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग इन सब के लिए करता हूँ, साथ ही साथ रेंडरिंग और AI वाले टास्क के लिए किया मैंने। तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो हुआ है यहाँ पे, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जो चीजें थी जो आपको एफिशिएंसी ARM वाले डिजाइन में मिल रही थी वो अभी नहीं है। इसके साथ ही लेटेस्ट इंटेल के अल्ट्रा कोर प्रोसेसर में डेडिकेटेड NPU को इंटीग्रेट किया गया, जिससे AI वाली टास्क वाली परफॉर्मेंस निकाली जा सके, क्योंकि अब मार्केट के अंदर सिर्फ CPU GPU की बात नहीं होती, NPU भी अब इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग नेटिवली अपने कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें अब AMD की, अब AMD की कहानी शुरुआती दिनों में इतनी खास नहीं थी। प्रोसेसर्स तो अच्छे बना रहे थे, लेकिन हीटिंग होती थी, दिक्कतें आती थी। राइजन सीरीज के आने के बाद दिक्कतें काफी ज्यादा कम हुई यहाँ पे, और राइजन ने मार्केट शेयर बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करना शुरू किया। राइजन की खास बात है कि मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड के लिए बहुत ही सूटेबल है, यानी अगर आपको ऐसे काम कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा मल्टी थ्रेड्स की जरूरत है, जैसे कि वीडियो रेंडरिंग बात करें या हैवी मल्टी टास्किंग बात करें, राइजन के प्रोसेसर उसके लिए बहुत सूटेबल है। और वन ऑफ द फास्टेस्ट जो राइजन प्रोसेसर आए, राइजन 7000 सीरीज एंड 9000 सीरीज, ये बहुत सही है। इसके साथ ही राइजन ने AI 300 सीरीज को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर आपको 50 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड देखने को मिलते हैं AI के, जो देखा जाए तो मार्केट में वन ऑफ द हाईएस्ट हो जाते हैं किसी भी डेडिकेटेड प्रोसेसर के अंदर, क्योंकि इसके बाद आपको डेडिकेटेड GPU लगाना पड़ेगा फॉर मोर AI टास्क। लेकिन एक बात देखिए मैंने कि राइजन के प्रोसेसर हो गए चुके हैं काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी, लेकिन पीसी बिल्ड करते समय आपको राइजन के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वही बात करें लैपटॉप में, इतने ज्यादा ऑप्शंस आज भी पॉपुलर नहीं है। राइजन आपको ज्यादातर अफोर्डेबल कैटेगरी में देखने को मिलता है, और जैसे आप प्रीमियम में मूव ऑन करते हैं ना, राइजन के लैपटॉप्स बहुत तेजी से कम होने लगते हैं और इंटेल वाली जो मोनोपोली होती है ना, वो यहां पे जाने लगती है। लेकिन पीसी बिल्डिंग के लिए आज भी देखा तो राइजन के प्रोसेसर जो कॉस्ट इफेक्टिव होते वो है, बजट फ्रेंडली है, और जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मिलता है वो काफी कमाल का है। इंटेल से अभी भी थोड़ा सा पीछे यहाँ पे, लेकिन जो AI पावर्ड जो नए CPUs आए हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, देखने वाली बात होगी उनके साथ क्या रहता है। और हाँ, पावर एफिशिएंसी के मामले में अभी भी इंटेल थोड़ा सा यहाँ पर आगे निकला हुआ है, तो ये चीज है, यानी कि इंटेल में थोड़ी सी बेटर बैटरी लाइफ है एज कम्पेयर टू AMD राइजन, लेकिन बजट कॉन्शियस यूजर प्राइस टू परफॉर्मेंस में AMD आगे निकला है। इसके बाद बात करना चाहूंगा मैं लेटेस्ट स्नैपड्रैगन के बारे में, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन देखा तो लैपटॉप में जगह बहुत पहले से बनाना चाहता था। तकरीबन स्नैपड्रैगन 835 का जमाना था, जहां पे स्नैपड्रैगन कोशिश कर रहा था कि हम किसी तरीके से अपना मोबाइल फोन का प्रोसेसर लैपटॉप में लगा दें, लेकिन हर बार फेल हो रहा था। इस बार कहानी पूरी तरीके से बदल दी उन्होंने, स्नैपड्रैगन एक्स एलीट को लाए, स्नैपड्रैगन एक्स प्लस को लाए। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी, विंडोज को पहले रेडी करवाया कि वो ARM पे अच्छे तरीके से चले। इसके बाद वो गए हर एक बड़े डेवलपर के पास, उनको बोला कि आप अपनी जो एप्लीकेशन होती है हमारे हिसाब से डिजाइन करो, हमारे प्रोसेसर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करो, क्योंकि जब तक एप्स OS ये दोनों चीजें रेडी नहीं होंगी, तीसरा जो प्रोसेसर होता है ना जो ARM आर्किटेक्चर पे, वो मार्केट में नहीं आ पाएगा। और अब हालत ये कि स्नैपड्रैगन एक्स एलीट ने फाइनली अपनी जगह बना ली, और स्नैपड्रैगन एक्स एलीट अब इंडिया में मिलना भी शुरू हो गया। और यहाँ पे इनका जो क्लियर फोकस है ना, वो इंटेल और AMD नहीं है, उनका मेन फोकस एप्पल की M3 चिप है। हालांकि M4 चिप भी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन मैकबुक में अभी आने में टाइम है, इसलिए M3 चिप से उसे कंपेयर कर रहे हैं। कुछ मामलों में M3 चिप से बेटर भी है, जैसे कि बेटर बैटरी लाइफ दे रही है, स्लीप टू वेक फंक्शनलिटी अच्छी है,
कोई हीटिंग वगैरह नहीं होती, इवन फैंस वगैरह भी सुनाई नहीं देते और अच्छी खासी परफॉर्मेंस निकालता है। परफॉर्मेंस के अंदर बेंचमार्किंग के अंदर इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर्स आए उनको मैच करता है, कुछ केसेस में इंटेल कोर i9 को और राइजन 9 जैसे प्रोसेसर को यहाँ पे टक्कर दे देता है, जो बहुत सही चीज है कि उनकी परफॉर्मेंस मैच कर पा रहा है लेकिन उनको सरपास नहीं कर पा रहा। और जो एप्लीकेशंस ऑप्टिमाइज्ड है स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के साथ, वहां पे परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और एक्स एलीट का एक सस्ता मॉडल भी बना रहे स्नैपड्रैगन एक्स प्लस। कहने की बात ये कि यहाँ पे ये लोग प्रीमियम कैटेगरी में टच कर रहे हैं और 1 लाख रुपए के ऊपर के सेगमेंट पे जा रहे हैं और 1 लाख रुपए के नीचे स्नैपड्रैगन एक्स प्लस है। चीज अच्छी है, प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और डायरेक्टली एप्पल वाली प्राइसिंग में ये लोग कम्पीट कर रहे हैं। और एप्पल के साथ बेनिफिट है कि एप्लीकेशन का सपोर्ट मैकओएस में जबरदस्त है और जो पुरानी इंटेल वाली एप्लीकेशन थी वो भी मैकओएस सपोर्ट करता है। सेम चीज करने के लिए स्नैपड्रैगन माइक्रोसॉफ्ट ने प्रिज्म नाम का इम्यूलेटर बनाया लेकिन वहां पे परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। जो लेगेसी एप्स है वो अभी भी उतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है और उनको ज्यादा बेटर होने में यहाँ पे टाइम लगेगा। बस यही एक दिक्कत है जहाँ स्नैपड्रैगन है, क्योंकि स्नैपड्रैगन रेस में अभी बहुत ही ज्यादा नया है। इसको हम परफॉर्मेंस वाले बेंचमार्क में कंपेयर वगैरह कर सकते हैं लेकिन जब कंपेटिबिलिटी यूजिबिलिटी वाली चीज आती है अभी थोड़ा सा पीछे है। 6 से 8 महीने का टाइम इसे देना पड़ेगा तभी एक पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो पाएगी कि कितना लंबे समय तक ये चल सकता है। और हाँ, एक्स एलीट एक शुरुआत है, नेक्स्ट ईयर ये लोग मल्टीपल प्रोसेसर्स निकालेंगे अपने स्नैपड्रैगन के इस लाइनअप के अंदर जो कि डेडिकेटेडली पीसी और आपके यहाँ पे लैपटॉप्स के लिए टारगेटेड होगी। लेकिन एक चीज है जहाँ पे स्नैपड्रैगन थोड़ा सा आगे निकले और वो मैंने बताया एनपीयू के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया इनके एनपीयू के अंदर आपको 40 टॉप्स देखने को मिलते हैं, जिसका बेनिफिट है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज कोपायलट प्लस है वो इनके लैपटॉप के अंदर चलेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील कर रखी है क्वालकॉम ने कि 1 साल तक विंडोज कोपायलट प्लस सिर्फ स्नैपड्रैगन वाले पर आएगा। AMD के प्रोसेसर भी रेडी है इसके लिए लेकिन उनके अंदर आपको अगले साल आएगा। और इंटेल वाले भी कोशिश करेंगे अपने किसी लैपटॉप वाले प्रोसेसर को अगले साल तक लॉन्च करने का जिसके अंदर को पायलट प्लस हो। तो हाँ, ये एक चीज है, AI वाली चीज में थोड़ा सा आगे निकला है लेकिन अभी भी जो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट है ना वो थिन एंड लाइट लैपटॉप को ही कम्पीट कर पा रहे हैं, गेमिंग लैपटॉप के बिल्कुल भी नजदीक नहीं है और गेमिंग वाली कैटेगरी में अभी दूर दूर तक अपनी जगह नहीं बना पाए। अगली चीज आती है यहाँ पे आपको ये सबसे बेहतरीन प्रोसेसर क्या होता है। इंटेल की बात करें तो ऑलराउंडर प्रोसेसर्स हैं, गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं परफेक्टली, इसके साथ ही हैवी वर्कलोड के लिए भी डिजाइन है, थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में आते हैं लेकिन आपको वैरायटी देखने को मिलती है। लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर भी काफी ज्यादा एफिशिएंट और काफी ज्यादा पावरफुल है, यानी कि अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप नॉच परफॉर्मेंस की पीसी इंडस्ट्री के अंदर इंटेल ज्यादा जाता है आगे। उसके बाद अगर आपको बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और बजट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो AMD है, लेकिन AMD वो परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाता जैसी कई बार इंटेल यहाँ पे निकाल देता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखा है कि AMD आज के समय में कोशिश कर रहा है और देखते हैं कि AMD का आने वाले समय में फ्यूचर क्या रहता है। स्नैपड्रैगन एक्स एलीट अभी सिर्फ एंथुजियास्ट वाली कैटेगरी में जिसको कुछ नया देखना है, कुछ नया ट्राई करना है वो है। अभी भी मेन स्ट्रीम कंज्यूमर के लिए जो लैपटॉप्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसको वहां तक आने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ बेसिक यूज का है और सबसे अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो स्नैपड्रैगन एक्स एलीट के जो लैपटॉप्स होते हैं काफी अच्छा कमाल दिखा सकते हैं। इसके साथ ही इंटेल भी यहाँ पे काम कर रहा है अपने एनपीयू को स्ट्रॉन्ग करने में और नेक्स्ट जनरेशन में और ज्यादा फास्टर एनपीयू को लेकर आएगा। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड आर्क जीपीयू को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है जो काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल देता है, लेकिन अभी भी डेडिकेटेड गेमिंग जीपीयू जो आपके देखने को मिलते हैं एनवीडिया के उनके नजदीक नहीं है। और हाँ, अगर किसी को AI वाले टास्क अगर करने हैं यहाँ पे तो एक डेडिकेटेड एनवीडिया का RTX 4000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड यूज कर ले, वहां पे आप बेटर AI वाले टास्क कर लेंगे जो इनके किसी भी जो एनपीयू जो इंटीग्रेट किया गया इनके प्रोसेसर के अंदर उनसे ज्यादा बेटर AI परफॉर्मेंस निकाल देगा यहाँ पे। तो ओवरऑल बात करें तो जो चिप इंडस्ट्री होती है ना उसके अंदर आपके समय में काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन आ गया और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। हालांकि एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कॉम्पिटिशन हो गया ना आज के समय में वो लैपटॉप वाले मार्केट में थोड़ा ज्यादा है। डेस्कटॉप में आज भी इंटेल किंग बन के बैठे हो, सेकंड पोजीशन AMD की है और थर्ड पोजीशन डेस्कटॉप PC मार्केट के अंदर किसी ने भी अचीव नहीं करी क्योंकि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है तीसरा प्लेयर। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, ग्लोबली यहाँ पे लैपटॉप की सेल्स में काफी ज्यादा बूस्ट हुआ है, इसलिए हर एक कंपनी प्रॉपर लैपटॉप के ऊपर फोकस कर रही है क्योंकि वहां पे वॉल्यूम मूव ऑन कर सकता है। और जो PC बिल्डिंग होती है वो पिछले कुछ समय में थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है। 2020-2021 में एक बूस्ट आया था PC बिल्डिंग के अंदर लेकिन अब फिर से यहाँ पे थोड़ी शांत हो गई। इसके साथ ही कहानी में ट्विस्ट ये भी आ सकता है जब विंडोज 12 यहाँ पे लॉन्च होगा और उम्मीद की जा रही है जब विंडोज 12 आएगा तब वहाँ पे प्रॉपर ARM आर्किटेक्चर के लिए काफी एडवांस फीचर्स को यूज किया जाएगा, तब कहानी में और ट्विस्ट आ सकते हैं। और बीच बीच में न्यूज भी सुनते रहते कि AMD भी कोशिश करेगा आने वाले समय में ARM डिजाइन पे बेस्ड प्रोसेसर को निकालने का। इवन एक रिपोर्ट तो लास्ट ईयर ये भी आई थी कि NVIDIA भी लैपटॉप्स के लिए ARM डिजाइन के लिए प्रोसेसर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग चल रही है
और जो प्रोसेसर वाला मार्केट है वो आज के समय में थोड़ा सा गर्म हो गया और काफी एक्साइटिंग हो गया। देखते हैं नेक्स्ट ईयर 2025 में क्या कहानी रहती, कौन सी कंपनी आगे निकलती है और जो स्नैपड्रैगन ने एआरएम वाले डिजाइन लाए इसकी आगे चल के क्या कहानी रहती है, यहाँ पे इंटेल वाले क्या नई चीज खाते हैं क्योंकि अभी भी x86 पे ही टिके रहेंगे, एआरएम पे आसानी से इंटेल अभी मूव नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी फ्यूचर काफी एक्साइटिंग हो सकता है। बाकी आप लोगों को कौन सा सीपीयू पसंद है, इंटेल, एएमडी या स्नैपड्रैगन, मुझे कमेंट बताओ। थैंक यू देखने के लिए वीडियो, मैं आप सुनता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।